गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, पेज नंबर 36, एडिशन ऑन फिंगर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम टू नंबर्स को अपने फिंगर्स की हेल्प से ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव टू ऐड 13 एंड 4। सपोज करो कि हमें 13 में 4 को ऐड करना है, तो हम फिंगर्स की हेल्प से इसे कैसे ऐड करेंगे। फर्स्ट ओपन एज मेनी फिंगर्स एज द स्मॉलर नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स में से जो स्मॉलर नंबर छोटा नंबर है उतने फिंगर्स ओपन कीजिए। देखिए 13 एंड 4 में स्मॉलर नंबर है 4, छोटा नंबर 4 है, तो आप 4 फिंगर्स ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, 1 2 3 4, आपको ऐसे 4 फिंगर्स ओपन करनी है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो आपका 13 है जिसे आपको 4 में ऐड करना है, आप 13 से आगे काउंट करते हुए इन फिंगर्स को डाउन करोगे। देखो जैसे कि 14, 13 के बाद नंबर कौन सा आता है, 14, 15, 16 एंड 17। तो 13 प्लस 4 हुआ 17। चलो हमें नीचे और कुछ सम्स दिए गए हैं, अब हम उन्हें अपने फिंगर्स की हेल्प से ऐड करना सीखते हैं। देखिए टू ऐड बिग नंबर्स लाइक 25 एंड 42, हमें दो बड़े नंबर्स को ऐड करना है जो कि है 25 एंड 42। तो देखो इन्हें कॉलम्स में अरेंज किया गया, 25 एंड 42। तो सबसे पहले हम जो वंस कॉलम है पीछे वाला कॉलम, उसके दोनों नंबर्स को अपने फिंगर्स की हेल्प से ऐड करते हैं। तो देखो वंस कॉलम पे है 5 एंड 2, 5 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो आप 2 फिंगर्स ओपन कीजिए, वेरी गुड। और अब 5 जो सेकंड नंबर है हमारा, बड़ा नंबर है, उससे आगे काउंट कीजिए और फिंगर्स को डाउन करते जाइए। तो देखिए हमने 2 फिंगर्स ओपन करी, 5 से आगे बोलो 6 7, तो 5 प्लस 2 हुआ 7। तो आप इस कॉलम के नीचे लिखोगे नंबर 7। ऐसे ही आपको टेंस कॉलम के दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 2 प्लस 4, 2 और 4 में छोटा नंबर है 2, तो आप 2 फिंगर्स ओपन कीजिए और बड़ा नंबर है 4 और 4 से आगे काउंट कीजिए। 4 के बाद बोलो 5 6, तो 2 प्लस 4 हुआ 6, तो आप इस कॉलम के नीचे लिखेंगे 6। तो इस तरीके से 25 प्लस 42 हुआ 67। चलिए अब आगे हमें पेज नंबर 37 पे ऐसे ही कुछ सम्स दिए गए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है अपनी फिंगर्स की हेल्प से। तो चलो इन्हें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो 41 प्लस 27, हमें 41 में 27 को ऐड करना है। तो सबसे पहले पीछे वाला कॉलम वंस कॉलम, इन दोनों के डिजिट्स को अपने फिंगर्स की हेल्प से ऐड करो। देखो 1 और 7 में छोटा नंबर है 1, तो 1 फिंगर लो और बड़ा नंबर है 7 और 7 से आगे काउंट करो, 7 के बाद 8, तो 1 प्लस 7 हुआ 8। तो आप इस कॉलम के नीचे लिखोगे नंबर 8। अब देखो टेंस कॉलम 4 प्लस 2, ये भी ऐसे होगा, 4 और 2 में 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो 2 फिंगर्स लीजिए और बड़ा नंबर 4, 4 से आगे काउंट करो, 4 के बाद 5 6, तो 4 प्लस 2 हुआ 6। तो आप इस कॉलम के नीचे लिखेंगे नंबर 6। 41 प्लस 27 इज इक्वल टू 68। अब नेक्स्ट देखो 12 प्लस 5, देखो इन्हें कॉलम्स में अरेंज कराए, वंस कॉलम में 2 एंड 5, 2 फिंगर्स लो 5 से आगे काउंट करो, 6 7, तो 2 प्लस 5 हुआ 7, तो यहाँ लिखो आप 7। और टेंस में देखो 1, सिर्फ 1 है और दूसरा नंबर है ही नहीं, तो ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो 12 प्लस 5 हुआ 17। नेक्स्ट देखो 66 प्लस 23, ये भी ऐसे होगा, पीछे वाला लास्ट कॉलम जो है वंस कॉलम, उसके नंबर्स देखो 6 एंड 3, छोटा नंबर 3 है, 3 फिंगर्स लो और बड़ा नंबर 6 है, 6 से आगे काउंट करो, 7 8 9, तो 6 प्लस 3 हुआ 9। तो आप इस कॉलम के नीचे लिखोगे नंबर 9। अब नेक्स्ट करो टेंस कॉलम 6 प्लस 2, 2 फिंगर्स लो 6 से आगे काउंट करो, 7 8, तो 6 प्लस 2 हुआ 8। तो इस तरीके से 66 प्लस 23 इज इक्वल टू 89। नेक्स्ट देखो 23 प्लस 32, वंस कॉलम को करो 3 प्लस 2, 2 फिंगर्स लो 3 से आगे काउंट करो, 4 5,
तो 3 + 2 हुआ 5, आप यहाँ 5 लिखिए। नेक्स्ट कीजिए 2 + 3, तो इसमें भी आप छोटा नंबर 2 है, 2 फिंगर्स लो, 3 से आगे काउंट करो, 4 and 5, तो 2 + 3 हुआ 5। तो यहाँ पे देखो ये 2 और 3 इन दोनों की जगह बदल गई है, लेकिन आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो आपको याद रखना है 3 + 2 हो या 2 + 3 हो, आंसर 5 ही होगा। तो इस तरीके से 23 + 32 हुआ 55। नेक्स्ट देखो 67 + 2, पहले आप 7 में 2 प्लस करो, 2 फिंगर्स लो, 7 से आगे काउंट करो, 8 9, तो आप यहाँ लिखो 9 और 6 में कुछ भी ऐड नहीं करना, तो 6 एज इट इज आ जाएगा, तो आपका आंसर हुआ 69। नेक्स्ट देखो 66 + 11, तो पहले वंस कॉलम को ऐड करो, 6 + 1, 1 फिंगर लो, 6 से आगे काउंट करो, 7, तो 6 + 1 हुआ 7। अब ये भी 6 + 1 है तो ये भी होगा 7, तो 66 + 11 इज इक्वल टू 77। नेक्स्ट देखो 72 + 4, आप 2 और 4 को प्लस करो, 2 फिंगर्स लो, 4 से आगे काउंट करो, 5 6, तो 2 + 4 हुआ 6, 7 में कुछ भी ऐड नहीं करना, तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो आपका आंसर हुआ 76। नेक्स्ट देखो 72 + 25, पहले वंस कॉलम के नंबर्स को ऐड करो, 2 and 5, 2 फिंगर्स लो, 5 से आगे काउंट करो, 6 7, तो 2 + 5 हुआ 7। अब टेंस कॉलम को करो, 7 + 2, 2 फिंगर्स लो और 7 से आगे काउंट करो, 8 9, तो 7 + 2 हुआ 9, तो आपका आंसर हुआ 97। नेक्स्ट देखो 26 + 43, पहले वंस कॉलम 6 + 3, 3 फिंगर्स लो, 6 से आगे काउंट करो, 7 8 9, तो आप यहाँ लिखो नंबर 9। अब 2 + 4, 2 फिंगर्स लीजिए और 4 से आगे काउंट करो, 5 6, 2 + 4 हुआ 6, तो 26 + 43 इज इक्वल टू 69। नेक्स्ट देखो 75 + 23, वंस कॉलम को ऐड करो, 5 + 3, ओपन 3 फिंगर्स और इन्हें 5 से आगे काउंट करो, 6 7 8, 5 + 3 हुआ 8, तो वंस कॉलम के नीचे लिखो नंबर 8। अब टेंस कॉलम 7 + 2, ओपन 2 फिंगर्स और 7 से आगे काउंट करो, 8 9, तो 7 + 2 हुआ 9, तो आपका आंसर हुआ 98। नेक्स्ट देखो 54 + 23, ये भी ऐसे होगा, 4 + 3 करो, 3 फिंगर्स ओपन करो, 4 से आगे काउंट करो, 5 6 7, तो 4 + 3 हुआ 7। अब 5 + 2 करते हैं, ओपन 2 फिंगर्स और 5 से आगे काउंट करो, 6 7, तो 5 + 2 हुआ 7, तो 54 + 23 इज इक्वल टू 77। नेक्स्ट देखो 65 + 22, ये भी ऐसे होगा, वंस कॉलम को करो, 5 + 2, 2 फिंगर्स लो, 5 से आगे काउंट, 6 7, तो 5 + 2 हुआ 7, वंस कॉलम के नीचे लिखेंगे 7। अब टेंस कॉलम करो 6 + 2, ओपन 2 फिंगर्स और 6 से आगे काउंट करो, 7 8, तो 6 + 2 हुआ आपका 8, तो टेंस कॉलम के नीचे लिखो नंबर 8। इस तरीके से 65 + 22 इज इक्वल टू 87। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पेज नंबर 37 के सभी सम्स को हमने अपनी फिंगर्स की हेल्प से ऐड करना सीखा। पहले तक हम सभी लाइंस लगा के ऐड करते थे, पर अब हमें लाइन लगा के ऐड नहीं करना, हमें अपनी फिंगर्स की हेल्प से दो नंबर्स को ऐड करना है। तो सभी बच्चे पेज नंबर 37 को अपनी बुक में करेंगे और दो नंबर्स को अपनी फिंगर्स की हेल्प से ऐड करने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।